नई दिल्ली, क्या देशभक्ति की आड़ में चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा का जो बयान सामने आया है वह इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय वायुसेना द्वारा सरहद पार की गई एयर स्ट्राइक को बीजेपी चुनाव में भुनाना चाहती है। बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर पैदा कर दी है। इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में कर्नाटक में 28 में से 22 सीटें जीतने में मदद मिलेगी। बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि दिनों दिन बीजेपी के पक्ष में लहर बनती जा रही है। पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर देने के कदम से देश में मोदी के समर्थन में लहर बनी है। येदियुरप्पा ने कहा इसका नतीजा आगामी लोकसभा चुनाव में नजर आ सकता है। बुधवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा एयर स्ट्राइक की कार्रवाई से देश के नौजवानों में जोश भर दिया है। इससे हमें कर्नाटक में लोकसभा की 22 से ज़्यादा सीटें जीतने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीट में से बीजेपी 17, कांग्रेस 9 और जेडीएस 2 सीटें जीतने में कायम रही थी। लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद रिक्त बेल्लारी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट को गंवा दिया। इस तरह मौजूदा समय में बीजेपी के पास 16 और कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं।